आज चैनल 9 की टीम मोगरापाड़ा इलाके में है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। अंधेरी ईस्ट के मोगरापाड़ा इलाका है, ये एक मुस्लिम इलाका है, यहाँ पे मिलीजुली सरकार है, लेकिन करीब 5 साल से पहले भी यहाँ शिवसेना की सरकार थी और आज बीजेपी की सरकार है। नगर सेवक, MLA, कारपोरेटर, विधायक, नीचे से लेकर ऊपर तक BMC महानगर पालिका सारे कर्मचारी भी बीजेपी सरकार की है, शिवसेना सरकार की है। उसके बावजूद भी यहाँ के रहवासियों का कहना है कि जो एक बार यहाँ से जीत के पदाधिकारी गए हैं, वो दोबारा लौट करके हम यहाँ के निवासियों को देखने के लिए कभी नहीं आए। हम लोग किस हालात में जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, स्वच्छता अभियान के नाम पर हम लोग को सिर्फ ठगने का काम किया गया है। जबकि साफ़ सफाई करने वाला कर्मचारी भी आता है, कचरा उठाने वाला कर्मचारी भी आता है, वो भी हर घर से 10 रुपये और 20 रुपये का डिमांड करता है। आखिर क्यों? हम अपने कैमरामैन को भी बोले हैं यहाँ दिखाने के लिए, काफ़ी जो गटर है, नाली है, खुले हुए ढक्कन है, और कई जगह ऐसे जो नाला यहाँ से गया हुआ है उस पर ढक्कन और प्लेट नहीं रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आज नहीं, ये टूट गया है। पिछले 4 सालों में बीजेपी सरकार का कोई भी पदाधिकारी, चाहे MLA हो, कारपोरेटर हो, नगर सेवक हो, मंत्री हो, विधायक हो, महानगर पालिका, BMC कर्मचारी हो, कोई भी यहाँ एक बार भी झांकने के लिए नहीं आया। यहाँ के स्थानीय लोगों का यही कहना है कि ये लोग सिर्फ एक बार वोट मांगने के लिए आते हैं और जीतने के बाद दोबारा कभी भी हम लोगों के सुख दुख का एक बार भी डिटेल लेने के लिए नहीं आते हैं। तो चलिए, हमारे साथ में बने हुए हैं कई सारे यहाँ के लोग हैं जिनकी शिकवा शिकायत है, हम जानने की कोशिश करते हैं। चैनल 9 की टीम आज सर्वे कर रही है स्वच्छता अभियान के ऊपर। स्वच्छता अभियान भारत सरकार का जो चलाया जा रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छता अभियान चलाए हैं, वो कितना कारगर है और उससे जनता को कितना लाभ हो रहा है और किस तरीके से स्वच्छता अभियान के तहत सरकार फायदा ले रही है और जनता को फायदा दे रहा है, तो देखिए, हम इन्हीं लोगों से आपको मिलवाने के लिए आज आए हैं। और चैनल 9 की टीम स्वच्छता अभियान पे प्रॉपर मुंबई शहर में काम कर रही है, जगह जगह पे स्वच्छता अभियान का कितना लाभ यहाँ के रहवासियों को मिल रहा है वो हम लोग देखते हैं। PM नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान का एक नजारा अंधेरी ईस्ट के मोगरापारा में देखने को मिला। चैनल 9 की टीम जब स्लम एरिया मोगरापारा के रहवासियों से मिली तो पता चला कि पिछले 4 सालों में एक बार भी यहां के स्थानीय नेता हमारे बीच नहीं आए, जबकि यहां पर BJP शिवसेना की गठबंधन सरकार है। कॉरपोरेटर, नगर सेवक, MLA के अलावा BMC महानगर पालिका के अधिकारी एक बार भी हम मोगरापारा रहवासियों के पास नहीं आए। जगह जगह नाला, गटर, शौचालय, संकीर्ण नालियों में कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। बरसात में नाले गटर का पानी घर में आ जाता है, लेकिन कोई भी डामर सफाई कर्मचारी हम मोगरापारा निवासियों की तकलीफ न देखने वाला है न ही सुनने वाला है। आइए पूछते हैं यहाँ के निवासियों से कि स्वच्छता अभियान का कितना लाभ मिल रहा है। सैकड़ों मोगरापारा निवासियों के बीच BJP सरकार के पदाधिकारी भी मौजूद थे। जो ला दिया ना, एक भी सही नहीं है, सारे निकले हुए हैं यहाँ से, सब ला के ऊपर से रखा हुआ है। कोई भी गिरता है यहाँ पे, रात को तो अंधेरा रहता है, एक तो यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे भी पूरा कचरा भरा पड़ा है, जाता ही नहीं है कचरा आगे यहाँ से भी। ये देखे कैसा कचरा भरा हुआ है, वहाँ पर पूरा मिट्टी है, पूरा कचरा है। वोट लेने के लिए आएंगे कितने टाइम से नहीं बनाए, बहुत साल हो गए, सारे ला दिया ऐसे तो ऐसे ही पड़े, गटर पूरा ओपन है ना, मच्छर होता है यहाँ गटर भर भर के, और कॉकरोचेस तो ऐसा निकलेगा। 10 सालों से गटर बराबर साफ नहीं करने, कोई भी नहीं आता है, और गटर ऐसे ही भरा रहता है, और उधर ब्लॉक भी किया है जाली वाली डाल के, तो हमारे बाथरूम में पानी भर जाता है। क्या नाम है आपका? जोशीता। कितने साल से अपना घर है? यहाँ मैं जन्म से इधर ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन सरकार तो है ना, सरकार तो BJP की चल रही है, ना हम लोग कम्प्लेन करते लेकिन आते ही नहीं इन लोग, क्यों है सर? पता नहीं क्यों नहीं आते, साफ करने को आना चाहिए ना, और हमेशा भरा रहता है गटर, बारिश में तो बोलो ही नहीं, फिर तो सब जाली की वजह से और पानी यहाँ भरा पड़ा रहता है, और कीड़े भी इतने निकलते हैं यहाँ। तो वो जो पीने के पानी के अंदर भी कीड़े, वो जो केमिकल मारने वाले जो आते हैं BMC का, वो जो पाउडर छिड़काव करने वाले, वो लोग नहीं आते? नहीं आते भाई,
आते बहुत कम, बहुत कम आते हैं, धुआ वाले आते हैं और ड्रम में भी डाल के जाते हैं, पर फिर भी इतना कचरा है यहाँ पे कि समस्या दूर होने वाली नहीं है इतनी आसानी से। और ये गटर पहले तो कचरा साफ होना चाहिए, पूरा ये पैक होना चाहिए। ये देखिए सारी लादियाँ रखी हुई है ऊपर से, पैक नहीं है पूरा। मच्छर भी कितना होता है इसकी वजह से, और पानी में से तो इतने कीड़े निकलते हैं ना बारिश के टाइम पे, पूरा भरा हुआ रहता है। और वो जो मेन आपने वहाँ पे गटर देखे ना, वहाँ पे तो इतना मिट्टी होता है बारिश जाने के बाद में, फुल पूरा मैदान एक तो भर जाता है, वहाँ से चलने के लिए भी मुश्किल है। और सारे गटर यहाँ पे भी गिरते हैं और वहाँ पे भी गटर में गिर जाते हैं लोग। नहीं के बच्चे बीमार पड़ रहे, मलेरिया डेंगू फैला है, सब बड़े बच्चों को नुकसान हो रहा। उसके बाद ये रोड ऐसा है कि आने जाने वाले बूढ़े बड़े गिरते हैं उसमें से, पाँव टूटे किसका हाथ टूटे। बहुत टेंशन है इधर तो, एक साफ सफाई झाड़ू मारने कोई आता नहीं। देखो कचरे कचरे वाली भी आती है, पैसे वैसे डिमांड तो नहीं करते, करते डिमांड करते 10 रुपए देंगे, 15 दिन आएंगी, 15 दिन है तो खाड़ा करेगी, 1 महीने में ऐसा रहता है, उसका हफ्ते में 2 बार उसका खाड़ा होना ही होना। कचरा ऐसा पड़े रहता है, उसको बोले उठा ले, जब बोलेंगे उसके पास आके बोलेंगे तो उठाएंगे, नहीं बोलेंगे तो चले जाएंगे। कचरे वाले भी 10-10 रुपया डिमांड करते हैं, आते नहीं है। और आते 20-20 रुपया तो। कोई बनाएगा उधर तो शीशा वाले एप्लीकेशन करते कि भाई ये नहीं, और फिर बाद में उसके बाद में पैसे का डिमांड करते। अभी आपके तो बोला था बहुत काम है हम लोग मोगरे में, कुछ काम नहीं हुआ, उनके बोलने से क्या काम हुआ। अब ये देख रहे ये काम आपके सामने ये काम हुआ ना, 6 महीना भी नहीं टिका, क्या मालूम मट्टी सीमेंट की जगह मट्टी वापर, 6 महीने में टूट गया। विपुल बोला था बहुत काम किया मैंने, अरे विपुल बोला था मैं काम किया, क्या किया आपके सामने, हमारे सामने कुछ नहीं किया, बोला उसको हमारे सामने बोला किधर वाले हैं नहीं काम हुआ, 6 महीने भी नहीं टिका वो काम। पहले हमारा कोबा 6 साल वैसी मजबूत था, वो किसने किया था, रूपाली बॉस का हुआ था, हमने करा था, कांग्रेस ने किया था, मजबूत काम था, मजबूत काम था। 6 साल तो ये 6 महीने नहीं टिका, सब खड्डे देखो पूरे इधर, बच्चे बाहर नहीं खेल सकते। वो जो पहले काम मैंने अपने खड़े लेके करवाया था, और वो बिल्कुल टूटा हुआ नहीं था। तो देखा है आपने, जगह जगह गटर खुला हुआ है, गटर से नाले से पानी बाहर निकल के लोगों के घरों तक आ रहे हैं, लोगों को बैठना दुश्वार हो गया है। अभी जो आपने देखा वीडियो, उसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वच्छता अभियान का यहाँ के रहवासियों को कितना लाभ मिल रहा है। और अब बने रहिए हमारे साथ में, और भी बहुत सारे ऐसी खबरें हैं जो हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे, और आप देखते रहिए चैनल 9, और भी दिखाते हैं ऐसे कई मोहल्ले हैं जहां स्वच्छता अभियान का वहां के रहवासियों का थोड़ा सा भी लाभ नहीं मिला है, उनका भी शिकवा शिकायत है। बहुत जल्द आप लोगों को लेकर के चलते हैं कहीं दूसरे जगह, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चैनल 9, सच का साइन चैनल 9। कैमरा मैन धर्मेंद्र कुमार के साथ राहुल खन्ना, मुंबई।